अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महकना सदम कबाड़ी है। मैं सुवम जमात में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करने जा रही हूँ। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ ना जानती थी, सब कुछ मुझे सिखाया। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। वाकिफ न थे जरा भी इतने बड़े जहाँ से। जनाब सदर अस्सलामुअलैकुम, ये उस्ताद क्या है? उस्ताद किसको कहते हैं? उस्ताद वो हस्ती है जो गुमान को यकीन में डालता है, जो पत्थरों से हीरे तराशता है, जो चश्मा बसारत को निगाह में बसीरत अता करता है। वो हस्ती जिनके नजर में मिठास, निगाह में शफकत और रवैये में प्यार होता है, वो उस्ताद कहलाता है। जनाब सदर उस्ताद तो वो हस्ती जो हाथों में जिबन लिए शम्स कमर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, यह महताबा से जाकर कह दो कि अपने किरणों को गिन के रख ले। ये महताबा से जाकर कह दो कि अपने किरणों को गिन के रख ले। मैं अपने सहरा के जरे को चमकना सिखा रहा हूँ। रिश्तों में सबसे मुकद्दस पाकीज़ा रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का ही माना जाता है, मगर अफसोस तलबा का ऐसा हुआ क्या वो उस्ताद की इज्जत नहीं करते। जो शागिर्द अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करते, वो कान खोल के सुन ले, वो खुद नाकामी को दावा दे रहे हैं। उस्ताद खुद तो बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। उस्ताद की इज्जत करे उनका कहना माने। मैं इस शेर के साथ अपनी जगह लेती हूँ। जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तकरीर से खतरे भी गिर जाते हैं। खुदा के शुक्रिया।